Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन। मैं राकेश राय, आपका होस्ट, शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं, कुछ समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने हौसले को बनाए रखना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में हम कवियों को, लेखकों को, व्यंगकारों से रूबरू होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में श्री मोहित मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप सिलवासा, दादरा नगर हवेली के अधिकारी हैं। आप बहुत उच्च कोट के गजल शिल्पकार हैं, तो आप तो सर का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में शब्द संसार दिल से। मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। शब्द संसार दिल से इस कार्यक्रम में मैं बहुत वो करना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसमें जो है मैं दैनिक अधिकारी हूँ, DNICS दैनिक अधिकारी, दादरा नगर हवेली दमन दीव में। और आप लोगों के साथ में तो राकेश राय भाई साहब से मेरी बहुत पुरानी और बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे कविता का कार्यक्रम शुरू किया है। हमारी खुद की यहाँ पे काव्य गोष्ठी चलती है और आज आपके साथ इस कार्यक्रम को करते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये मैं एकदम से दिल से कह सकता हूँ ये बात। सर, आप सुनाएं, आपकी प्यारी गजलों से हमें रूबरू कराएं। चलिए फिर एक खूबसूरत सी एक गजल से जो है शुरुआत करते हैं हम लोग। कोरोना का जो ये समय है वो ऐसा समय है जब आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपके पास नहीं आ सकता। और इस समय जो है याद जो आती है, वैसे तो आमतौर पर हमेशा आती है, पर इस समय यादें कुछ खास ज्यादा आती हैं। तो इसी पर एक नज्म पेश है आपकी खिदमत में। स्वागत है सर, पढ़िए। तू याद आई और मैं रोता रहा रोता रहा। क्या तू बात, याद आई और मैं रोता रहा रोता रहा। क्या बात खोया है, तुझे फिर खुद को मैं खोता रहा खोता रहा। वाह वाह वाह। खोया तुझे फिर खुद को मैं खोता रहा खोता रहा। या मैं रहा हरदम नशे में या नशा मुझ में रहा। या मैं रहा हरदम नशे में या नशा मुझ में रहा। आंखें खुली थी पर किन्हीं ख्वाबों में मैं सोता रहा। आंखें खुली थी पर किन्हीं ख्वाबों में मैं सोता रहा। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और इसके बाद है ये एक मतलब एक शेर के बाद में अब एक दूसरी गजल मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा, जो थोड़ी सी कौमी एकता के ऊपर है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि सारे लोगों को जो है एक साथ मिलकर रहना चाहिए। मैं खुद गंगा जमुनी तहजीब का इंसान हूं, तो गौर फरमाइएगा। मजहबों में बट गए जहां का ये हिसाब हो। मजहबों में बट गए जहां का ये हिसाब हो। धरा बने ये मैं कदा धर्म यहाँ शराब हो। कि मजहबों में बट गए जहां का ये हिसाब हो। धरा बने ये मैं कदा धर्म यहाँ शराब हो। जले न कोई घर यहाँ, जले न कोई घर यहाँ, न हसरते जले कभी शरर बिगर जले तो यूं जले की आफताब हो। क्या बात है, अब सर, इस पर क्या गौर बात। कहूंगा आपका, इस पर अटेंशन जाऊंगा कि जिस तरीके से जब हम इंसान से ऊपर किसी भी विचारधारा, किसी भी किताब को मानने लगते हैं तो फिर क्या होता है। जी उसके ऊपर ये लाइनें हैं कि जी जले न कोई घर यहाँ, न हसरते जले कभी शरर भी घर जले तो यूं जले की आफताब हो। ओहो, अजीब है ये बात जब भी खून की नदी बही। अजीब है ये बात जब भी खून की नदी बही। रही सदा ही कातिलों के हाथ में किताब हो। ओहो, क्या बात है सर, क्या बात। मिले तो दिल को खोल के गुरूर अपना भूल के। मिले तो दिल ओहो, को खोल के गुरूर अपना भूल के। न तेरे पास छुरी हो न मेरा ये नकाब हो। ओहो, न क्या तेरे बात, पास क्या छुरी बहुत हो न सुंदर सर, मेरा ये बहुत सुंदर, नकाब बहुत हो। सुंदर, वाह 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 वाह। अब दर्शकों से उम्मीद है इशारा समझेंगे वो कि सवाल पूछने से पहले डरते हैं सभी यहाँ। ओहो, सवाल पूछने से पहले डरते हैं सभी यहाँ कि क्या पता हुजूर के न पास में जवाब हो। ओहो, क्या बात है, कि क्या जवाब हो, पता बहुत सुंदर, हुजूर बहुत के न सुंदर, पास में जवाब हो। अद्भुत कि सर, ऊब अद्भुत। के जनाब बोले खास कुछ करे यहाँ। कि ऊब के जनाब बोले खास कुछ करे यहाँ। कहीं तो कुछ अजाब हो, कहीं तो कुछ खराब हो।
क्या खराब हो, क्या कहीं तो बहुत कुछ अजाब हो, कहीं तो कुछ खराब हो, बहुत सुंदर। सिसक रही है वो कसक वो जुस्तजू भबक रही। सिसक रही है वो कसक वो जुस्तजू भबक रही, कि काश उसकी कोशिशें कभी तो कामयाब हो, काश ओह क्या बात है, कामयाब उसकी कोशिशें कभी तो कामयाब हो। और ये हो, अपने वाह चेहरे वाह इस गजल का जो आपके सामने पेश करूंगा, जी और गौर जी फरमाइएगा कि किस तरीके से एक इंसान का मन जो है भिदकता है बंदिशों से। फिर वाह से सुनिएगा, सिसक रही है वो कसक वो जुस्तजू भबक रही, कि काश उसकी कोशिशें कभी तो कामयाब हो, ये बंदिशों की ज्यादती से कोफ्त होती है मुझे, हाँ ये बंदिशों की ज्यादती से कोफ्त होती है मुझे, खुदा या मेरे पास कुछ कभी तो बेहिसाब हो, क्या बात है, क्या बात है, खुदा क्या या बात मेरे पास कुछ है, कभी तो बेहिसाब हो। अद्भुत सर, बहुत अद्भुत बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया बहुत जनाब, सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत शुक्रिया जो है। सुंदर। और बताइए, और क्या सुनना पसंद करेंगे? आपको तो मेरी रचनाएं अधिकतर प्यारी पता भी है। जी जी सर, कुछ प्रेम श्रृंगार के ऊपर कुछ गजलें पढ़ें। मेरा मन चलिए है कि आज ठीक आपके कुछ श्रृंगार के गजलें सुनूं, है, प्रेम जरूर रस के, क्योंकि जरूर, आज मैं प्रेम की आपको ज्यादा जरूरत है लोगों को। एकदम, आपने सही कहा, एकदम आपने एकदम जी सही बात कही। और प्रेम ऐसी चीज है जो सच में मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम जी करती है। यदि जी प्रेम नहीं हो तो मनुष्य मनुष्यता की राह पे कभी जी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जी जी एक ये गजल है, गौर कीजिएगा, जी नज्म बना दी इसको, गजल में खास चुस्त डाला है, इसके जी शिल्प पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि सुनिएगा, कि जी तेरी बनाई हुई वो तस्वीर मेरी आंखों का नूर है अब, ओहो, तेरी बनाई हुई वो तस्वीर मेरी आंखों का नूर है अब, नूर खुदा है, वाह वाह का क्या ये मजाक है, तू मेरी ही आंखों से दूर है अब, ओहो खुदा का क्या ये मजाक ओह, है, तू मेरी ही आंखों से दूर है अब। फिर से क्या सुनिएगा, क्या कि बात, बिंब पर ध्यान चाहूंगा आपका, कि जरूर टूटा है ये हिमालय, ओहो जरूर टूटा है ये हिमालय, गमों की गंगा जो बह रही है, ओहो जरूर टूटा है ये हिमालय, गमों की गंगा जो बह रही बह है, रही फिजूल है, तफ्तीश है ये कि इसमें किसका किसका कसूर है अब, फिजूल ओहो बहुत सुंदर, तफ्तीश है ये कि इसमें किसका किसका कसूर है अब, बहुत सुंदर, न कोई मिसरा बना हमारा गजल न कोई हुई मुकम्मल, न कोई मिसरा बना हमारा गजल न कोई हुई मुकम्मल, पनाम का तेरे हर्फ पहला मेरी जुबां पे जरूर है अब, पर नाम का तेरे हर्फ पहला मेरी जुबां पे जरूर है अब, सितम तेरी याद ढा रही है, सितम तेरी याद ढा रही है, न सो सकूं मैं न जग ही पाऊं, सितम तेरी याद ढा रही है, न सो सकूं मैं न जग ही पाऊं, तुझे भुलाने की कोशिशों में वजूद ये बेशऊर है अब, बेशऊर मतलब अनकॉन्शियस, तुझे भुलाने की कोशिशों में वजूद ये बेशऊर है अब, तुझे पहनकर, गौर कीजिएगा, बिंब पर ध्यान चाहूंगा मैं आपका, कि जी। तुझे पहनकर ये रूह मेरी हुई थी तुझसी हसीन हमदम, तुझे वाह वाह सर, वाह, पहनकर ये रूह मेरी हुई थी तुझसी हसीन हमदम, ओहो क्या बात है सर, क्या जो बात, सा था बे हयात सा था मुझे उसी का गुरूर है अब, जो सा था बे हयात सा था मुझे उसी का गुरूर है अब। अब इसमें मैं ट्विस्ट दे रहा हूं गजल के फॉर्मेट में, आपकी तवज्जो चाहूंगा, तेरी ही यादें तेरी ही बातें, तेरा ही दिन ये तेरी ही रातें, तेरी ही चाहत तेरी ही उल्फत, तेरी ही दुनिया तेरी ही जन्नत, तेरा ही गम है तेरी निराशा, तेरी उम्मीदें तेरी ही आशा, तेरा ही चंदा तेरे ही तारे, तेरा ही सूरज तेरे नजारे, तेरा ही मैं भी तेरा ही ये दिल, तुझी से आसा तुझी से मुश्किल, तेरी ही ख्वाहिश में हूं मैं उलझा, तेरा ही मुझको फितूर है अब, खुदा बहुत सुंदर, का क्या ये मजाक है, तू मेरी ही आंखों से दूर है अब, खुदा का क्या ये मजाक वाह है। सर, थैंक यू, वाह थैंक वाह, यू सो मच, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद बहुत आपका, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, सुंदर, अद्भुत सर, अद्भुत सर, अद्भुत सर, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाफिज साहब। जी, बहुत सुंदर, तो एकदम छटा बांध दिया है सर, बहुत ही अद्भुत सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, कुछ और सुनाए सर जी एक जरूर जरूर, एक कविता लिखी थी जी मैं इलाहाबाद का हूं, और ये कविता जो है बहर में नहीं है, ये गजल के फॉर्मेट में है पर बहर में कविता नहीं है, पर इस कविता की जो भाव है वो बड़े अच्छे हैं, सुनाना चाहूंगा मैं आपको, कि जी मुझे शहर की बेअदबी पे ताव आ गया, आहा मुझे
शहर की बेअदबी पे ताव आ गया। लिखते लिखते मैं अपने गांव आ गया। मुझे शहर की बेअदबी पे ताव आ गया। लिखते लिखते मैं अपने गांव आ गया। सब मिलते हैं यहाँ पर चिड़चिड़ा के मिलते हैं। सब मिलते हैं यहाँ पर चिड़चिड़ा के मिलते हैं। किस ठौर आ गया मैं किस ठाव आ गया। किस वाह, क्या बात है, क्या बात ठौर आ गया मैं किस ठाव आ है। गया। और आ हमारे गया हॉस्टल के सामने कल्लू चाय वाला था जी। और हम लोग उसके यहाँ चाय और बंदबाव खाया करते थे। उसी की ओह एक कविता के दो मित्र लिखे हैं कि सब मिलते हैं यहाँ पर चिड़चिड़ा के मिलते हैं। किस ठौर आ गया किस ठाव आ गया। कल्लू के यहाँ चाय की चुटकिया ली जी तो मक्खन लगा हुआ बंद पाव आ गया। ओह, क्या बात है, क्या अद्भुत संयोजन है, अद्भुत संयोजन। हंस रते बची बहुत हिम्मतें बची नहीं। हंस रते आप भी मेरी इस बात से इत्तफाक रखेंगे राकेश राय भाई, सुनेगा कि हंस रते बची बहुत हिम्मतें बची नहीं। जी जाने कब उम्र का वह पड़ाव आ गया। आह, क्या जाने बात है, कब क्या उम्र बात का वह पड़ाव आ गया। तो जी। एक ही था। और उसके अलावा आमतौर पर मैंने देखा है, जैसे मैं आपके ये इस प्रोग्राम के बाकी फॉर्मेट में भी देखा है, तो मैंने वहां पे देखा है कि वहां पे जो है मुक्त छंद की जो है कविताओं का भी काफी पाठ किया जाता है और उस प्रकार से करते हैं। तो मैं एक आप सबके लिए मुक्त छंद की भी कविता लेके आया हूँ, अगर आपकी इजाजत हो जी तो सर, पेश स्वागत है, खिदमत करूँ। स्वागत है, स्वागत है सर, पढ़िए, स्वागत है। और इसमें जो है मैंने जो रेफरेंसेस उठाए हैं आम कविताओं के भिन्न, वो मैंने ऐतिहासिक रेफरेंसेस उठाए हैं। तो इसमें जितने भी शब्द हैं वो इतिहास की अलग अलग भूमिकाओं और इतिहास के अलग अलग युद्धों की ओर इशारा कर रहे हैं। और जी जो इतिहास का विद्यार्थी होगा उसके खास इत्तफाक रखिएगा, जो नहीं भी होगा वो सुनकर समझने की कोशिश करें। जी जी स्वागत है सर, तो स्वागत है, स्वागत है। कान खोल के सुन वो आ रहा। कविता का शीर्षक है कान खोल के सुन वो आ रहा। सुनिएगा। जी सुमेर से सिंधु से नील से वो आ रहा। ओहो रोम से ग्रीक से बाबिलोन से भी आ रहा। वो आ रहा आर्यवर्त से और द्रविड़ वर्त से भी आ रहा। ऑटोमन साम्राज्य से कपोल साम्यवाद से पूंजीवाद नाजीवाद से औपनिवेशवाद से भी आ रहा। हर वाद ओहो से वो आ रहा। मंगोल सेना के घोड़ों पर खुरदुरी तलवार लेकर क्या उन बात है, सैनिकों की जहरीली कटार लेकर मध्यकालीन धर्म युद्धों में ओ लॉर्ड अल्लाहू अकबर की हुंकार लेकर जुम्मन की झोपड़ी के बाहर होठों पर ओंकार लेकर वो आ रहा। क्या बात है, जापानी वाह हराकिरी ढीठ बनकर अमेरिकी नेपाम की छीट बनकर पागल माओवादी की आईडी बनकर दहशत गर्द का जिहाद बनकर इंसानियत की आंखों का मवाद बनकर आरक्षण ओहो बनकर संरक्षण बनकर भगवा हरे लाल और अनेकानेक रंगों में लिपटकर अपने साथ ओहो रक्त पिपास और हवसे हजार लेकर भांति ओहो भांति के आयुध अस्त्र शस्त्र औजार लेकर सात अप्राकृतिक अमानवीय कोहराम लेकर कभी अल्लाह कभी जीजस कभी गुरु कभी राम लेकर वो आ रहा। हाहाकार करता हुआ लूटपाट करता हुआ कत्लेआम करता हुआ बलात्कार करता हुआ नृशंस हत्याएं करता हुआ रक्तपात करता हुआ वो आ रहा। हर तरफ से हर जगह से हर समय से वो आ रहा। हर रूप में हर रंग में हर आकार में वो आ रहा। सुन वाह गांधी वो आ रहा। सुन महावीर वो आ रहा। सुन बुद्ध वो आ रहा। सुन विज्ञान वो आ रहा। सुन चैतन्य इंसान वो आ रहा। सुन कान खोल के सुन। तो मुझे लगा कि जो है थैंक यू सो मच जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राकेश दाबाद। आपके जो उत्साहवर्धन है जो आपकी जी बड़े मायने रखती है। तो अद्भुत 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 सर, हाँ, पर मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। कुछ जो है एक गांव पे नज्म लिखी थी जो काफी फेमस भी हुई और आप लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ जी मैं जी आपके गांव नाम वाले, लिखे। गांव की वो नज़र पड़ी है। जी, हाँ, तो सुनिएगा कि मेरा आधा अभी भी मेरे गांव में रहता है। ओहो मेरा वाह वाह, आधा अभी भी मेरे गांव में रहता है। पुराने घर हो गए पीपल की छांव में रहता है। गाँव में रहता, वाह 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 मेरा आधा अभी भी मेरे गांव में रहता है। पुराने घर हो गए पीपल की छांव में रहता छाँव में है। रहता है, वाह नहर ठंडी बहा करती है जहन में मेरे। क्या
क्या नहर बात है, ठंडी बहा करती है जहन में मेरे, जहन में मेरे। ये रेगिस्तान सा दिल पर ठहराव में रहता है, ये वाह वाह वाह, रेगिस्तान क्या सा बात है, दिल पर ठहराव में ठहराव रहता में है। अब रहता है। वाह बहुत सुंदर शिन सुंदर। पर अगर आपकी तवज्जो चाहूंगा, हमारे यहाँ दादा को बाबू और दादी को अम्मा कहते थे और मम्मी पापा कहते थे, तो हम लोगों ने भी कहना चालू कर दिया, तो उससे से ही शेर आता है कि नहर ठंडी बहा करती है जहन में मेरे, ये रेगिस्तान सा दिल पर ठहराव में रहता है, ये सर ऊंचाई पे जाकर ऊंचा नहीं होता जी, ये सर हाँ ऊंचाई पे जाकर ऊंचा नहीं होता जी, नहीं अम्मा रहता जी। की गोद में बाबू के पाँव में रहता है, वाह अम्मा की क्या गोद बात, में बाबू के पाँव में रहता गाँव में है। रहता। वाह वाह वाह, और अब इस पर भी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, और मेरे ख्याल से इस चैनल में जितने भी हम जैसे मिडिल क्लास बैठे हुए उन सबके दिल पर ये चीज, ये शेर अपील करेगा कि जी फिर से सुनिएगा कि ये सर ऊंचाई पे जाकर ऊंचा नहीं होता जी, अम्मा की गोद में बाबू के पाँव में रहता है, और बड़े होटल में जाकर दिल सकुचाने लगता है, ये बड़े होटल क्या में जाकर दिल दिल सकुचाने लगता सकुचाने है, ये लगता कि है। ओह चावल दाल खाना किस स्वभाव में रहता है, तो क्या बात चावल है, दाल खाना ना किस स्वभाव स्वभाव में में रहता, रहता है। बहुत कहीं सुंदर भी जाते बहुत हैं हम लोग, सबसे पहले चावल दाल का ऑर्डर कर देते हैं कि चलो कम से कम सुंदर, दाल फ्राई और चावल तो मंगा ही लो, बहुत सुंदर बाकी बहुत चीजें बाद में सुंदर लिखी जाएंगी। और मेरे घर का नाम मोनू था और यहाँ का नाम मोहित है, उसी पे नज्म लिखी है कि बड़े होटल में जाकर दिल सकुचाने लगता है, ये कि चावल दाल खाना इस स्वभाव में रहता है, कि ये मोहित डरा रहता है खो न जाए दुनिया, कि ये मोहित डरा रहता है खो न जाए दुनिया, कि वो मोनू अभी भी पूरे क्या ताव में रहता है, कि बात है, वो क्या बात मोनू अभी भी पूरे ताव में रहता है। ताव में रहता है, ताव में रहता है। ये जो ताव शब्द है वो बिल्कुल इलाहाबाद और उत्तरांचल से बिलोंग करता है। बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत ही एकदम, अद्भुत शब्द है तो सर, इसमें बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच राकेश भाई, इसमें हर शेर में जो है एक ऐसा शब्द यूज किया है जो कि गांव से रिलेटेड हो, तो जी इस तरीके से बहुत करने की बहुत कोशिश किया है। तो अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत अद्भुत ये अद्भुत दो शेर आपके फिर मोहब्बत पे पेश करता हूँ, क्योंकि समय शायद कम है, 5-10 मिनट ही बचे हैं। जी तो जी जी आज फिर बन के उसे बादे सबा याद किया, बादे सबा मतलब सुबह की हवा, जी जी आज फिर बन के उसे बादे सबा याद किया, उसी काफिर की इबादत में खुदा याद किया, वाह क्या आज बात है, फिर बन के उसे बादे सबा याद किया, उसी उसी काफिर की काफिर। इबादत में खुदा याद किया, सिर्फ जिस्मानी नहीं है ये मोहब्बत मेरी, सिर्फ मोहब्बत जिस्मानी नहीं है ये मोहब्बत मेरी, मैंने मेरी, एक माँ सा उसे दे के दुआ याद किया, मैंने क्या उसे एक बात है, वाह वाह माँ सा उसे दे के दुआ याद किया, वाह वाह वाह। और भूल जाना उसे मुमकिन है मगर क्यों भूलूं, क्यों भूल जाना उसे मुमकिन है मगर क्यों भूलूं, बोलो, दर्द दुनिया में बना उसको दवा याद किया, वाह दर्द वाह दुनिया में बना उसको दवा याद किया, यही था। वाह, तो जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बताइए बस मित्र कुछ की क्या सुना, क्या सुनना मैं, और आप ये करेंगे तो कि कुछ ऐसा और। लग रहा है कि मतलब बिल्कुल से ये समय यहीं थम जाए और ये कार्यक्रम चलता रहे। मैं बहुत चाहता बहुत हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बस, धन्यवाद। क्योंकि रात्रि हो चुकी है, तो चार पंक्तियां मैं आपसे मिलने की खुशी में पढ़ता हूँ कि जरूर जरूर, चांदनी रात है, अरे वाह आपका साथ वाह है। वाह 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 वाह, इन शब्द संसार के सारे दर्शक के लिए और आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि चांदनी रात है, आपका साथ है, आज वाह की शाम भी थोड़ी बिंदास है। कुछ कहूँ तुम सुनो, कुछ कहो मैं सुनूं, इस नई आस के साथ शुरुआत है। तो अभी अरे तो सर वाह अरे शुरुआत वाह है, अभी मुझे अरे बहुत सुनना है, तो मैं चाहता हूँ कुछ और प्रेम वाह, के गीत पढ़ें और हम लोग सुने सर, कुछ श्रृंगार के ऊपर कुछ और पढ़ें। जी ठीक है जरूर जरूर, जो है आप आपकी इस फरमाइश को करते हुए मैं एक बहुत फेमस मेरी एक नज्म हुई थी कि जी एक मजाकिया कुछ हो जाए, क्योंकि प्यार में दो आता है तो दर्द आता ही आता है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें कुछ हंसी मजाक भी हो। आप सुनिएगा जरा सा आशिक का दर्द, जी सुनिए कि मेरी वफा पर न जाने कितने सवाल तूने करे खड़े हैं, हाँ मेरी वफा पर न जाने कितने सवाल तूने सवाल करे खड़े हैं, जी, जो पात शादाब थे मेरे दिल पे सारे सूखे मरे पड़े हैं, ओह जो पात शादाब थे मेरे दिल पे सारे सूखे मरे पड़े हैं, वाह और वाह मैं पूछता हूं
मैं सोचता हूँ ये बेहतर होता अगर मोहब्बत कभी न होती। अरे हर पति पत्नी की कहानी। मैं सोचता हूँ ये होता बेहतर अगर मोहब्बत कभी न होती। तुम्हीं कभी ना होती। से इतना करे मोहब्बत, तुम्हीं से इतना लड़े पड़े हैं। क्या तुम्हीं बात से है, क्या इतना बात करे मोहब्बत, तुम्हीं से इतना लड़े है, पड़े से हैं। इतना लड़े पड़े हो। वाह 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 वाह, और इस मजाकिया मखाया जो है गजल में एक गंभीर शेर दे रहा हूं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि है जी रोशनी तू मैं भी जी जमी हूं, ये जी अश्क जी बन आब बह रहे हैं। है जी 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 जमी रोशनी तू मैं भी जमी हूं, ये हूँ अश्क बन आब बह रहे हैं, जी। मिलन की उम्मीदों के शजरिए तभी तो अब भी हरे खड़े हैं। मिलन की क्या बात, उम्मीदों के शजरिए तभी तो अब भी हरे खड़े हैं। और अरे आप वाह इन वाह पे गौर कीजिएगा अगर कभी आपका भी ऐसा हाल हुआ हो तो, कि जी न कॉल आया न कोई जी मैसेज, हाल जी तक तो नहीं बताया। ओहो, न कॉल आया न कोई न कोई मैसेज, हाल तक नहीं तो नहीं बताया। बताया। और हमारा दीवानापन भी देखो, ले फोन अपना जगह पड़े हैं। हमारा ओह क्या बात है, क्या बात, दीवानापन भी देखो, ले फोन लेफोन अपना अपना जगह जगह, पड़े क्या हैं। बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत एक वही जिस प्रेम से संबंधित नज्म की मैं बात कर रहा था, सुनिएगा जी कि फिर से तुझे लाने की कोशिश में लगा रहता हूं मैं, फिर से तुझे लाने की कोशिश में लगा रहता हूं मैं, मुझको नहीं मालूम है आखिर कहाँ रहता हूं मैं, मुझको नहीं मालूम है आखिर कहाँ रहता हूं मैं क्या बताऊं किस कदर खाली किया तूने मुझे, मैं क्या बताऊं किस कदर खाली किया तूने मुझे, जब से गई है तू महज तुझसे भरा रहता हूं, जब ओह क्या बात है, भरा से रहता, गई है तू महज तुझसे भरा रहता हूं मैं, वाह 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 भरगद यहाँ सूखा पड़ा, बरगद यहाँ सूखा पड़ा पत्ते सूखा, सभी पीले पड़े, ओह बरगद यहाँ सूखा पड़ा पत्ते सभी पीले पड़े, मुरझा गई एक शाख की कोपल बना रहता हूं मैं, क्या बात है, मुरझा गई वाह एक शाख की कोपल बना रहता हूं मैं, और तू सोच किस मासूमियत से प्यार करता था तुझे, तू मासूमियत सोच किस मासूमियत से प्यार से, करता था तुझे, तू है नहीं इस बात से तुझसे खफा रहता हूं मैं, या अरे तू वाह है वाह नहीं इस वाह, बात से तुझसे खफा पत्ते रहता क्या रहता हूं हूँ। मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, थैंक बहुत ही यू अद्भुत थैंक अद्भुत अद्भुत सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू थैंक यू। एक ऐसी गजल सुनाऊं आपके मंच के लिए जो मैंने कभी किसी को कहीं पे भी नहीं सुनाई, जी सर, अब तक जरूर ना तो जरूर, किसी लाइव शो में सुनाई, ना तो किसी वीडियो में सुनाई, ना ही आपको ने भी वो गजल नहीं सुनी है। जी सर, जरूर और जरूर, स्वागत गजल है सर, पढ़िए जी। के दो पार्ट हैं, पहले चंद शेर जो है मोहब्बत से रिलेटेड हैं, और बाकी जो शेर है वो दुनिया जहां से, दर्दे दिल और दर्दे दुनिया का जो है एक समागम है इस गजल में। तो सुनिएगा, है शाख एक जिस पर नहीं कोपल यहाँ, है शाख एक जिस पर नहीं कोपल कोपल यहाँ, है, वाह कोपल है शाख एक जिस पर नहीं कोपल यहाँ, है, हाँ एक पेड़ है जो है खड़ा बेफल यहाँ, ओहो, एक क्या बात, पेड़ है जो है खड़ा बेफल यहाँ, अभिशप्त है सूरज मेरा उगता नहीं, ओहो, अभिशप्त है सूरज मेरा उगता उगता नहीं, नहीं, पर पूजता हूं मैं उसे पल पल यहाँ, ओहो क्या बात है, पर क्या बात है, पूजता हूं मैं उसे पल 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 यहाँ, यहाँ, वाह वाह वाह, बेथे गए घर छोड़ के बस एक दफा, ओह छोड़ वे थे गए घर छोड़ के बस कर एक दफा, एक अब भी खड़कती है दुखी साकल यहाँ, दफा, ओह क्या अब बात है, भी बहुत खड़कती है दुखी साकल यहाँ, अकल कब से नहीं आए मेरे नजदीक वो, कब से नहीं आए मेरे है मेरे नजदीक नजदीक वो, क्यों वो, गूंजती है उनकी फिर पायल यहाँ, अरे क्या बात है, क्यों क्या गूंजती बात है उनकी फिर पायल यहाँ, है, वाह वाह वाह, टूटी हुई खपरेल अब भी है पड़ी, टूटी अरे हुई खपरेल अब भी है पड़ी, तनहा खड़ा है अब भी वो पीपल यहाँ, क्या बात है, क्या तनहा बात खड़ा है अब भी वो पीपल है, यहाँ। हाँ अब सुनिएगा,
जैसे हम फोन पे देख देख के जो है संतोष कर लेते हैं अपने प्रिय लोगों को उनसे बात करके, ठीक है पड़ी कि टूटी हुई खपरेल अब भी है पड़ी, तन्हा खड़ा है अब भी वो पीपल यहाँ, बस छांव से धरती तसल्ली करती है, बस तसल्ली छांव से धरती तसल्ली करती है, करती है। क्या बरसा न है कोई कभी बादल यहाँ, बरसा बात है, वाह वाह, बादल न है कोई कभी बादल यहाँ, यहाँ, क्या बात है सर, वाह और वाह ये वाह आज तो फिर से गया तन्हा गुजर, वाह। ये आज तो फिर से गया तन्हा गुजर, ओहो, उम्मीद में हूँ आएंगे वे कल यहाँ, क्या बात है, क्या बात है, उम्मीद बहुत में हूँ आएंगे वे कल आएंगे यहाँ। कल यहाँ। बहुत सुंदर, मैंने बहुत दर्द सुंदर, दिल बहुत वाली जो सुंदर। गजल है वो ऐसा खत्म हो गया। आप देखिए अब मैं दर्द दुनिया पे जाता हूँ, इसी सेम फॉर्मेट में, दर्द दुनिया में, सेम बहर में, सेम काफिया, सेम रदीफ, सब कुछ सेम इस साथ, है। रास्ते के नाम पर दलदल यहाँ ओहो, है, रास्ते के नाम पर नाम पर दलदल यहाँ, दलदल यहाँ। इस साइकिल में एक ही पैडल यहाँ अरे रे, क्या बात है, है, अद्भुत रास्ते के संयोजन, साइकिल नाम पर दलदल यहाँ, इस साइकिल में एक को। ही पैडल यहाँ, जब जुस्तजू ही है नदारद इस जगह, जब जुस्तजू ही है नदारद इस जगह, किस जगह, बात की इतनी है फिर हलचल यहाँ, अरे किस वाह बात वाह की वाह, इतनी है फिर हलचल यहाँ। हलचल अभी मेरे दोस्त को मेरा ताना है कि तूने सहारा दे दिया होता अगर, वाह। आना न पड़ता पैदल यहाँ, ओहो, क्या बात तूने है, सहारा दे दिया दे होता दिया अगर, होता अगर, पैदल आना न पड़ता फिर मुझे पैदल यहाँ। और यहाँ। इस शेर वाह पे मैं आपकी वाह तवज्जो चाहूंगा राकेश भाई, जी क्योंकि जी तुम्हें मैं जी बात कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जो है सुनिएगा कि तूने सहारा दे दिया होता अगर, आना न पड़ता फिर मुझे पैदल यहाँ, इनकी जी चढ़ों की यादतें ऐसी पड़ी, आह, इनकी चढ़ों की यादतें ऐसी आदतें पड़ी, पड़ी, लगता है अब बहता है गंगा जल यहाँ, क्या लगता है अब बहता है गंगा जल यहाँ, गंगा जल, सही कह रहे हैं, सही। देने नहीं आते सहारा वे कभी, ओह, देने नहीं आते ये सहारा वे सहारा, कभी, जी, पर चाहते हैं वो सभी मंगल यहाँ, क्या, अरे पर वाह वाह, चाहते मंगल हैं वो सभी मंगल यहाँ। यहाँ। और तू अब ये मेरा ताना, एक और ताना सुनिएगा कि जी तू भागता रह रेस में मुझसे न कह, फिर आहा, से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, इनकी चढ़ों की यादतें ऐसी पड़ी, लगता है अब बहता है गंगा जल यहाँ, चले देने यहाँ, नहीं आते सहारा वे कभी, पर चाहते हैं वो सभी मंगल यहाँ, और तू भागता रह रेस में मुझसे न कह, तू रेत भागता रह रेस में में मुझसे न कह, मुझसे न कह, आना है किस कमबख्त को अव्वल यहाँ, अरे ओह वाह आना वाह, है किस कमबख्त को अव्वल यहाँ, और कुछ वाह आपके अंदाज खासम खास हैं, कुछ वाह आपके अंदाज वाह खासम वाह, खास हैं, कुछ वाह वाह, दिल भी है मेरा बड़ा चंचल यहाँ, अरे वाह कुछ वाह दिल भी वाह, है मेरा बड़ा चंचल यहाँ। बहुत मेरे ख्याल से सुंदर, मीठा मिठा बहुत सुंदर सर, बहुत अद्भुत, अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 ऐसा बहुत धन्यवाद मन करता आपका। है कि यही कारवां ऐसे ही चलता रहे, लेकिन चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, जी और जी जी आपका जो संकलन है, गजल की शिल्पकारिता है, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही सुंदर सर। आप हमारे साथ में आए और अपनी गजल हम लोगों को सुनाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, और आपको बहुत सारा धन्यवाद, और थैंक यू बहुत बहुत सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मच, गुड नाइट। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।
Coffee Live, a platform to sharing your thoughts.